नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मछली की रेसिपी, और इस मछली को आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में, जैसा कि लोग बिहार में स्पेशली सरसों वाले मसाले के साथ बनाते हैं। तो चलते हैं आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। यहाँ पे मैंने आधा किलो रोहू मछली लिया है, और मछली को मैंने अच्छे से पहले धो के साफ कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पे डालना है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक डाल दें, या नमक स्वाद के अनुसार इसमें आप डालें। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे आपको लाल मिर्ची पाउडर डालना है। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है और मछली में इससे कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डालना है आधा नींबू का रस, इससे जो हमारी मछली है वो अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो बस अब आपको क्या करना है कि हाथ से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मछली को मिक्स करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि मछली में काफ़ी कांटा होता है तो हाथ में ना चुभे, इसलिए ध्यान से इसे मिक्स करें। सभी चीज़ें मछली में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे मछली को तलने के लिए। मछली को तलने के लिए कढ़ाई में आप 3 से 4 बड़े चम्मच लगभग सरसों का तेल डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लें, क्योंकि सरसों के तेल में मछली का जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा आता है। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें मछली डाल देंगे। और मछली को डालते समय ध्यान रखिएगा कि जब भी हम गर्म गर्म तेल में मछली डालते हैं तो तेल के छींटे बहुत पड़ते हैं, तो तेल के छींटे लेंस पर ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसे कवर कर दिया था। और एक बार में आप उतना ही मछली डालें जितना कि डाल के आप आसानी से तल सकें। मछली को तलते समय गैस का आंच आप मीडियम से लो के बीच में रखें, क्योंकि तेज आंच पे जब हम मछली तलते हैं ना, तो मछली हमारी फटाफट से सुनहरी हो जाती है, लेकिन अच्छी क्रिस्पी नहीं होती है। और हाँ, मछली को आप तब तक ना पलटें जब तक ये नीचे से सुनहरी ना हो जाए। तो ये देखिए, नीचे से सुनहरी हो गई, तो एक ही बार में ये सारी मछली अच्छे से पलट गई है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो जब तक इधर हमारी मछली फ्राई हो रही है, तब तक हम मछली के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में यहाँ पे आपको चाहिए होगा 18 से 20 छिली हुई लहसुन की कलियाँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और अदरक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है ताकि ये आसानी से पिस जाए। आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साबुत जीरा, और 15 से 20 काली मिर्च। और बिहार में लोग मछली बनाते हैं तो स्पेशली सरसों का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मैंने काले वाले सरसों का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच मैंने सरसों के दाने लिए हैं, इससे हमारी मछली में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आप इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल के मसाला पीस लें। तो यहाँ पे मसाला हमारा पीस के तैयार हो गया है, तो बाकी मसाले को भी हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच लगभग पिसा हुआ धनिया, चाहे तो आप साबुत धनिया को भी सभी मसालों के साथ पीस सकते हैं। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैं तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने तीखे के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, इससे हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आता है। वैसे तो बिहार में लोग कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो ग्रेवी का कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के सभी मसालों को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसे एक तरफ रख देंगे, और चलते हैं मछली को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मछली हमारी अच्छे से तल गई है। दोनों तरफ से मैं आपको पलट पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा इसके ऊपर लेयर आ गया है। तो अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे, तो बचे हुए पीसेस को हम बाद में तलेंगे। मुंडी काफ़ी बड़ा होता है, और तेल की मात्रा अगर कम हो जाए ना, तो मुंडी अच्छे से तल नहीं पाता है। तो इस स्टार्टिंग में ही आप मछली का जो मुंडी होता है ना, उसे आप तल के निकाल लें। तो बहुत ज़्यादा तेल के छींटे पड़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा इसे कवर कर दिया है। तो यहाँ पे मछली नीचे से तल गई है, तो बस आप इसे पलट दें, और पलटते समय गैस का आँच स्पेशली आप कम कर दें, क्योंकि तेज आँच रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़ेंगे, और हाथ जलने का काफ़ी डर भी रहता है। तो यहाँ पे मुंडी मछली की अच्छे से तल गई है, तो इसे हम तेल में से निकाल लेंगे।
मछली के मुंडी को तलते समय एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि इसे आप कभी भी तेज आंच पे मत तलिएगा, क्योंकि तेज आंच पे तलेंगे ना तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और जब आप मछली का मुंडी खाएंगे ना तो वो कचकच अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा, आप खा ही नहीं पाएंगे। तो मछली के सारे पीसेस यहाँ पे तल के तैयार हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए। तेल यहाँ पे गरम है तो गैस का आंच आप बिल्कुल धीमा कर दें और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे आप डाल दें सरसों के दाने, साथ ही साथ थोड़ा सा आप इसमें मेथी के दाने ज़रूर डालें। सरसों और मेथी यहाँ पे अच्छे से चटकने लगा है तो अब आप इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दें और जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा हुआ मसाला है उसे भी निकाल के हम कढ़ाई में डाल देंगे। साथ ही साथ यहीं पे आप एक बड़े आकार का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दें ताकि मसाले के साथ टमाटर भी आपके अच्छे से पक जाएं। टमाटर आपके जल्दी पक जाएं इसलिए यहीं पे आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और मसाले में मैंने हल्दी नहीं डाला था तो एक छोटा चम्मच आप हल्दी डाल दें। सभी मसालों को आप यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लें और बस अब आप इसे ढक के लगभग 12 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में एक आध बार खोल के आप मसाले को चलाते ज़रूर रहें ताकि जो मसाला है वो कढ़ाई के तले से जले ना। जब भी आप मछली बनाएं मसाले को बहुत अच्छे से भुनें, क्योंकि अगर मसाला अच्छे से नहीं भुनता है ना तो मछली का जो स्वाद है वो सही नहीं आता है। ग्रेवी अच्छी नहीं होगी तो आपको मछली खाने में मज़ा नहीं आएगा, और ग्रेवी अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि मसाले को हम अच्छे से भुनें। तो हमें बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है इस बिहारी मछली को बनाते समय। तो यहाँ पे मसाले को भुनते हुए पूरे 15 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए मसाला यहाँ पे हमारा अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। मसाला जो है वो बर्तन के तले से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और जो हमने इसमें टमाटर डाले थे वो भी अच्छे से पक गया है। तो अब आपको इसमें डालना है पानी, तो पानी आप अपनी ग्रेवी के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेजरिंग कप से 1.25 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप ग्रेवी थोड़ा पतला खाना पसंद करते हैं तो पानी की मात्रा आप 1.5 कप भी रख सकते हैं। मसालों को अच्छे से यहाँ पे आप मिक्स कर दें और गैस का आंच तेज कर दें ताकि ग्रेवी में एक उबाल आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है, अब आप गैस का आंच धीमा कर दें और जो हमने मछली फ्राई करके रखा था ना वो अब आप ग्रेवी में डाल दें। मछली को यहाँ पे आप ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर दें और अब आप इसे ढक दें और ढक के इसे 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। गैस का आंच मीडियम रखें। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारी मछली जो है वो कितनी लजीज दिख रही है, मतलब आप देख के ही इसे आपका मन होगा कि बस फटाफट से इसे खाया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन जब ये मछली ठंडी होगी ना तो ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब हम लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे और चलते हैं इस मछली को फटाफट से सर्व करने के लिए। इतनी मछली में परिवार के 3 से 4 लोग बहुत ही आराम से खा लेंगे। रेसिपी को बनाते समय अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और मैं चलती हूँ इस गर्मा गर्म मछली का आनंद उठाने अपने परिवार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। रेसिपी को और भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस स्वाद का आनंद उठा सकें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, तब तक के लिए बाय बाय।